ज्वाइंट किसको कहते हैं जी? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ज्वाइंट ज्वाइंट कहते हैं मीटिंग प्लेस ऑफ टू बोन्स, मीटिंग प्लेस ऑफ टू बोन्स, जहां पे टू बोन्स मिलती हैं उनके इस मीटिंग पॉइंट को हम कहते हैं ये क्या है, ये ज्वाइंट, मीटिंग प्लेस ऑफ टू बोन इज नोन एज ज्वाइंट, जहां पे टू बोन मिलती है उनके इस मीटिंग पॉइंट को हम कहते हैं क्या है, ज्वाइंट। लेट्स से कि एक बोन ये है और दूसरी बोन ये है, ये जो प्लेस है जहां पे ये दोनों मिल रही है ये क्या है, इनका ज्वाइंट। ठीक है जी, अब देखिए जो जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर तो बहुत ज्यादा इनके टाइप्स हैं, लेकिन हम डिस्कस करते हैं मेनली जो है वो हमारे पास जो टाइप्स हैं उनको। सबसे पहले टाइप है फिक्स्ड जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट आर इमूवेबल जॉइंट, ऐसे जॉइंट जो फिक्स होते हैं और इमूवेबल होते हैं, जो मूव नहीं करते, इनको कहते हैं ये फिक्स्ड आर इमूवेबल जॉइंट्स हैं। दे शो जीरो मूवमेंट, इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, ये मूवमेंट शो नहीं करते, ऐसे जॉइंट्स को हम कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स आर इमूवेबल जॉइंट। फॉर एग्जांपल जो हमारा स्कल होता है, स्कल के अंदर बहुत ज्यादा जॉइंट्स हैं लेकिन ये जॉइंट्स हमें नजर नहीं आते, स्कल इसको कहते हैं, जो हमारी खोपड़ी होती है ठीक है, जिसके अंदर ब्रेन है, ये है स्कल। स्कल के अंदर बहुत ज्यादा जॉइंट्स हैं और इन जॉइंट्स में कोई गैप, इनके लिए जो टू आर मोर बोन्स यहाँ पे मिली हुई है, बट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इसके जॉइंट्स ही अलग नहीं होते, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो सारे के ऊपर वाली जगह होती है यहाँ पे मूव कर रही होती है, नीचे उनको जा रही होती है ठीक है, हिल रही होती है, इसका मतलब है जॉइंट है। लेकिन जब बड़े होते हैं तो ये जॉइंट आपस में फिक्स हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, जब ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं जॉइंट्स खत्म हो गए तो फिर ये जॉइंट को हम कहते हैं ये फिक्स जॉइंट्स हैं या ये कौन से वाले हैं, इमूवेबल जॉइंट्स ठीक है जी। फिर होते हैं ये कौन से वाले, सेमी मूवेबल जॉइंट, ऐसे जॉइंट्स जो थोड़ी बहुत मूवमेंट शो करते हैं, ज्यादा मूवमेंट शो नहीं करते, जैसे हमारी स्टर्नम है, स्टर्नम के साथ लगी हुई क्या चीज, रिब्स, ये जो स्टर्नम आ गई इसके साथ लगी हुई है रिब्स, ये जो जॉइंट्स हैं कौन से वाले हैं, सेमी मूवेबल जॉइंट्स हैं, या जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के जो जॉइंट्स हैं ये भी कौन से वाले हैं, सेमी मूवेबल जॉइंट्स। और लास्ट टाइप है मूवेबल जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, इसको हम कहते हैं कौन से वाले जी, मूवेबल जॉइंट्स हैं आर फ्री जॉइंट्स, मूवेबल आर फ्री जॉइंट्स वो हैं जो फ्री जो है दोनों में मूवमेंट को अलाउ करते हैं, जो मूव करते हैं और फुली मूवमेंट को अलाउ करते हैं, इनको हम कहते हैं ये कौन से वाले हैं, मूवेबल जॉइंट्स हैं और फ्री जॉइंट्स हैं। इन टू टाइप्स हैं, फर्दर एक है उसको हम कहते हैं हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, और दूसरे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिंज जॉइंट को, लेकिन इधर से बैक इसको मूव नहीं करवा सकते, ये जो जॉइंट है ये कौन सा है, हिंज जॉइंट। दूसरे जॉइंट की टाइप है बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो ये वाले जो जॉइंट्स हैं ये फ्री होते हैं, हर डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, ये अलाउ करते हैं मूवमेंट्स को इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन के अंदर ये जो है मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं। इस तरह के जो जॉइंट्स हैं उनको हम कहते हैं ये कौन से वाले हैं,
ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्यों, क्योंकि जहां पे ये होते हैं वहां पे एक सॉकेट बनी हुई होती है, ठीक है, नर्वस जगह होती है, उसके अंदर ये इस तरह से फिट हुए हो, तो ये यहां पे हर डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर सकते हैं। सो इस तरह के जॉइंट्स को हम कहते हैं, ये कौन से वाले हैं, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। क्लियर है जी, इसमें कोई इश्यू हो किसी को तो आप बता सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। जी एनी इश्यू, कोई क्वेश्चन हो, कोई और बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। ओके जी, ये जो मैंने आज पढ़ाया ये लिंक के इसके साथ जो रेलेवेंट डायग्राम जो वो ड्रा करके मुझे व्हाट्सएप करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको अपने आप के अंदर रखे।